नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये पहले से लोगों को इतनी पसंद आई है. सो मैं नर्वस भी हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ज्वाइन कर रही हूँ. सो आई होप लोगों को मेरा काम पसंद आए इस फिल्म में. साहिब और बीवी को तो वैसे ही लोग बहुत चाहते हैं, एंड गैंगस्टर हमारे ऑलरेडी द ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री अपने संजू हैं. सो आई एम स्लाइटली नर्वस बट एक्साइटेड. सो मुझे लगता है कि लोगों को शायद पसंद आएगा मेरा काम. ओके, गलत तरीके के दर्द जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें आप प्ले कर रहे हैं, सो क्या-क्या कॉम्प्लीमेंट अभी आपको मिलना शुरू हुए हैं ये ट्रेलर देखने के बाद में? ट्रेलर इंडस्ट्री के रिपोर्ट कहाँ से बाद, फैन से मिल हाँ, रहा मुझे मुझे उसमें एक बहुत छोटा सा एक्चुअली क्लिप है जिसमें वो एक डांस कॉस्ट्यूम में, एक्चुअली इसी कॉस्ट्यूम में मैं उसमें हूँ. सो वो काफ़ी अलग लगा उनको, लुक लोगों को. थोड़ा सा मेरा एक डायलॉग है उसके अंदर ट्रेलर में, मुझे ज़्यादा दिखाया नहीं है, पता नहीं क्यों. तिग्मांशु ने कहा कि नहीं, बाद में धीरे धीरे लव स्टोरी पे आएंगे गैंगस्टर की. राइट नाउ उसको काफ़ी विकेड, मतलब एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी विकेड राइट नाउ. सो दे विल शो द, सो बेसिकली सुहानी का जो कैरेक्टर है वो सबसे प्योर और जो इनोसेंट कैरेक्टर है फिल्म के अंदर वो उसका है, जिसकी और कोई एम्बिशन या और कोई इंटेंशंस नहीं है सिवाय इस गैंगस्टर के, जिसको वो प्यार करती है. एक अनरिक्विटेड लव है उसको, उसको मिला नहीं वो जिससे वो, जिसको वो हमेशा से चाहती थी. एक नाच घराने की लड़की है, तो वो रॉयल्टी है, तो थोड़ा सा उसकी औकात के बाहर है. तो हाँ, ऐसा कैरेक्टर है. ओके, जैसे कि फिल्म में माही हैं, जिमी हैं, जो पहले से ही फिल्म के अंदर हैं, साहिब भी गैंगस्टर से शुरू से हैं, एंड बाबा जो है, बाबा ने कैसे किरदार करे हुए हैं गैंगस्टर के, खलनायक एंड ऑल, यू ऑल नो. सो आपके लिए कितना डिफिकल्ट और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये किरदार को प्ले करना? चैलेंजिंग तो थोड़ा, क्योंकि असल में एक अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी अर्बन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ये थोड़ा रूरल है कैरेक्टर. तो ये बात मैंने एक्चुअली तिग्मांशु से डिस्कस करी थी शुरू करने से पहले फिल्म को, कि सुहानी को भी मतलब इसमें इस दुनिया में ब्लेंड हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं लगे कि कुछ लाइक द बॉडी लैंग्वेज है या बात करने का ढंग है, वो रूरल लगना चाहिए, करेक्ट लगना चाहिए उस माहौल में. सो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट. उन्होंने कहा कि कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो जाके वहाँ बोल देना, और बाकी जो शक्ल है तुम्हारी उससे संभल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है. सो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिम, कि मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ कोई टेक सही नहीं होगा या कोई मेरी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं होगी, वो उसको ओके तो नहीं करेंगे. और कोई खास तैयारी, कुछ खास ट्रेनिंग लेनी पड़ी? मैंने कथक सीखा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें एक पीस है, एक म्यूज़िक पीस है जो मुझे करना था, सेमी क्लासिकल, जो सरोज खान जी ने उसको कोरियोग्राफ किया है. सो आई हैड टू प्रिपेयर अ लिटल, बट उसके लिए भी क्योंकि टाइम पर वो रेडी नहीं हुआ म्यूज़िक पीस, हमको जाना था शूटिंग के लिए, तो हम सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला उसकी भी रिहर्स करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं था. बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो जो सीखना पड़ा हो, नहीं. ओके, इससे पहले कि आपने जो 1 जो 2 थी वो आपने देखी? मैंने फर्स्ट देखी, मैंने सेकंड नहीं देखी. जिससे रेफरेंस लिया आपने? रेफरेंस वो एक माहौल जो है, वो जो दुनिया है, डेफिनेटली उसका एक रेफरेंस तो पता है कि किस तरह के लोग हैं, क्या है. लेकिन क्योंकि ये नया कैरेक्टर है और एक ऐसी लड़की, जैसे मैंने कहा आपको, उसका बाकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं एक्सेप्ट द गैंगस्टर, तो सिर्फ वही एक कनेक्शन है उसका. और जब वो गैंगस्टर वापस आता है और वो इन सब कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाता है, फिर इनके रिलेशनशिप को क्या होता है और उस रिलेशनशिप की वजह से बाकी सबको क्या होता है, सो ये है. तो मैं आखिरी कड़ी हूँ, विच इज़ अफेक्टिंग एवरीथिंग. वजह सिर्फ़ और सिर्फ तिग्मांशु हैं, क्योंकि उनके साथ काम करने का बहुत मन था बहुत पहले से, और वी प्रॉब्ली वुड हैव वर्क टुगेदर इन 1999 बिकॉज उस समय वो हासिल अपनी पहली फिल्म कर रहे थे, एंड ही मेट मी इन दिल्ली मुझे कास्ट करने के लिए. लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो फिर फिल्म पूरी बॉम्बे शिफ्ट हो गई, मैं उस समय दिल्ली में ही थी, सो वो डिडंट वर्क आउट समहाउ. लेकिन आई ऑलवेज वॉन्ट, एंड इतने कमाल के वो राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, इवन फर्स्ट एंड सेकेंड में जो डायलॉग्स हैं, इसमें भी इतने अच्छे डायलॉग्स हैं. सो या इट्स तिग्मांशु. क्या रिएक्शन था पहले जब आपके पास में पहले कॉल आया कि साहिब भी गैंगस्टर करना है जिसमें संजय दत्त हैं और जिसमें तिग्मांशु जी भी हैं, तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन तो था वाओ, लाइक पहले मुझे आई डिडंट नो कि तब तक वो संजू कन्फर्म हो चुके थे, मुझे नहीं बताया था.
आई ऑफ कोर्स वाज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म. मुझे इतना बोला था, उन्होंने कहा था सुहानी का कैरेक्टर है वो, इसकी लव इंटरेस्ट बनेगी. एंड देन दे टोल्ड मी कि संजू इज प्लेइंग द गैंगस्टर. सो दैट केम, दैट इन्फॉर्मेशन केम लेटर. पर पहली जो मेरी एक्साइटमेंट थी वाज टू वर्क विद हिमांशु इन द फिल्म. यस. ओके. संजू के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रफ एंड टफ, बहुत ज्यादा सीरियस. आई थिंक उन्होंने रोल सारे ऐसे किए हैं, प्लस वो थोड़ा बोलते कम हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत ही इंटिमिडेटिंग है या बड़ा गुस्सा रखा है उनको. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही वॉर्म एंड इनफैक्ट काफ़ी शाय भी हैं टू टू टॉक टू मच, एंड स्पेशली रोमांटिक सीन्स में तो वो बहुत बहुत शाय. ही इज़ लाइक आई वॉज गेटिंग नर्वस बट आई सॉ हिम. उनकी हालत शायद मुझसे थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी. सो आई सेड ओके, दिस इज़ ओके. कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो विद संजू जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? वो काफ़ी अपनी किस्से कहानियाँ सुनाते रहते थे. उनको वो सफारी पे बहुत जाते हैं, साउथ अफ्रीका एंड केन्या सब जगह उनको बड़ा यू नो. सो ही यूज़ टू कीप टेलिंग मी अबाउट हिज स्टोरीज एंड लाइक ऑल्सो अबाउट हिज पेरेंट्स एंड पहले की कहानियाँ. आई वॉज़ वेरी कीन ऑल्सो टू नो. सो ही इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग मैन एक्चुअली. सो हैड गुड टाइम वर्किंग विद हिम, वेरी गुड. ओके ओके. चित्राणा, जैसे कि हमने आपको इस तरीके के किरदार में देख लिया, आपको शहरी किरदार में देख लिया, मतलब बहुत तरीके के किरदार में हमने आपको देख चुके हैं, और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप पर्सनली प्ले करना चाहते हो? यू नो आई वुड लव टू प्ले अ नॉच गर्ल, जैसे कि उमराव जान थी. यू नो उस तरह की, मुझे लगता है कि उस समय में उस तरह की जो औरतें थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ थी उनकी, एंड इन अ लॉट ऑफ वेज वो काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग थी. आई मीन इफ यू टॉक अबाउट द 1800s की बात कर रही हूँ मैं, अगर मतलब कोई हिस्टोरिकल उसमें जाके प्ले अ नॉच गर्ल, आई थिंक दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत कम फिल्में करती हैं आप, बहुत तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं आप आपके काम को लेकर. चूज़ी भी हूँ, प्लस आई थिंक जो काम आता है वो पसंद नहीं आता, जो ऑफ़र किया गया है वो रोल्स पसंद नहीं आए थे, तो कुछ ये भी है कॉम्बिनेशन. सो आई थिंक आर्टिस्ट हमेशा जो काम मिलता है उसमें से आप यू नो यू ट्राई टू चूज़ द बेस्ट यू कैन. सो या कुछ गलतियाँ भी करें जो रिफ्यूज़ कर दें, लेकिन इसी के साथ में जैसे कि सूरमा भी बहुत अच्छा कर रही है जी, आपने प्रोड्यूस करी है जो, इसके उसके साथ में और क्या होने वाला है आगे जाके, आप और भी फिल्में प्रोड्यूस करने वाले? वेल आई होप सो, आई होप यू राइट, क्योंकि कोशिश तो है कि अब नेक्स्ट अपनी सेटअप करेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी, वो एक लव स्टोरी है जो मैंने लिखी है, और या आई थिंक बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है. मुझे ऐसा लगता है तो वो ज़रूर बननी चाहिए. तो आई होप आई कैन. उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? एक हल्की फुल्की सी लव स्टोरी है, एक थोड़ा सा उसमें सोशल कॉज भी है, एक मुद्दा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इट्स नॉट अ कॉमेडी बट इट्स अ फनी फिल्म. और क्या आने वाला है अपकमिंग में? मेरी फिल्म एक और है बाजार, जो रिलीज होगी सितंबर में, विद सैफ एंड निखिल अडवाणी इज प्रोड्यूसिंग इट ऑफ कोर्स. तो वो है मेरी नेक्स्ट फिल्म, नेक्स्ट रिलीज़. या